नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस का विशेष कार्यक्रम कलाकारों की दुनिया। और आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जो न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में अपनी संगीत और अपने गीत के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊं, आपसे मुलाकात करवाऊं उनकी, मैं एक परिचय उनका छोटा सा देना चाहता हूं। आपने गीत सुने होंगे कन बाजे मुरली और घुघुती नाबासा। ये दोनों गीत के जो जनक थे, जो इनके गीतकार थे और जो इनके गायक थे, वो थे गोपाल बाबू गोस्वामी। और आज हमारे साथ में, हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे निवेदन पे यहाँ पहुँचे हैं उनके सुपुत्र अमित गोस्वामी। अमित गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कलाकारों की दुनिया कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सी एन ई यूट्यूब चैनल के को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर जितने भी हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने का मुझे मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमित जी, हमसे आज बातचीत मुझे लगता है कि बहुत रोचक, और चूंकि आप कलाकार हैं तो बहुत ही अच्छी बातचीत हम करने जा रहे हैं। अमित जी, हम ये चाहते हैं कि एक वो शुरुआत आप कर दें हमारे लिए, जो एक ऐसे साक्षात्कार की शुरुआत हो, जो एक ऐसे इंटरव्यू की शुरुआत हो जिसमें जो आपका नाम है और जो ख्याति आपको है, उस ख्याति का एक दर्शन आप करवा दें शुरुआत में एक गीत का। बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैं जब शुरुआत यहाँ पर करना चाहूँगा, जिस गीत से यहाँ मतलब उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी, कैले बजे मुरली, वो सब लोग उस गीत से सब लोग परिचय हैं, तो इसी गीत से मैं आप सभी दर्शकों का और आप सबके बीच ये गीत सुन। बिल्कुल बिल्कुल। ओ कैले बजे मुरली बैणा ऊंची नीची डानियों मां, चीरी है काले जी मेरी वो देख मन मां, मुरली के सोर सुनी हिया भरी है गो को पापिल मेरो बैणा, मन दुख है छो स्वामी पर देसा मेरा वो जरी नाम मां। क्या बात, आपने याद करा दिया अपने पिताजी का नाम श्री गोपाल बाबू गोस्वामी का। जब ये उनके गीत उत्तराखंड में गूंजते थे तो एक नाम गूंजता था गोपाल बाबू गोस्वामी जी का। जी, इस गीत से भी मुझे मतलब इस गीत से भी उतना लगाव है। तो मैं उस समय में जब ये गीत रिलीज हुआ था, तो उसमें जो हमारे गांव घर के लोग होते हैं घसीहरियाँ, जो पहाड़ से घास काटती हैं, तो जब वो घास काटती थी तो ये गीत लगा के वो घास। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त उनके उनके पति उनके दूर लद्दाख में फौज में अपनी देश की मतलब सेवा कर रहे होते, तो वो ये गीत सुनकर रोती थी जी, वो उन्हें याद करती। ये बिल्कुल गीत, जहाँ तक मेरी यादाश्त में भी है कि ये गीत एकदम लोकगीत बन गया था और हमारे पहाड़ के कल्चर को, हमारी परंपराओं को आत्मसात कर लिया था इस गीत ने, और खासकर महिलाएं इसको बहुत पसंद करती थी गीत को। अमित जी, आपकी शुरुआत संगीत की कैसे हुई? संगीत की शुरुआत बचपन से, तो मुझे संगीत की पीछे थोड़ा लगाव था, सुनता था हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा ध्यान उतना मेरे नहीं था जी। अपना थोड़ा मतलब बचपन में आप जानते हैं कि थोड़ा इधर उधर दोस्तों के साथ आना जाना, हाँ। मौज मस्ती करना, बिल्कुल। तो धीरे धीरे मतलब पिताजी आते थे उस वक्त, काली छाप कैसे थे, हृदय कुमाऊनी काली छाप कैसे थे उस वक्त, वही मतलब उत्तराखंड में वही प्रचलित थी, वो कंपनी बहुत प्रचलित थी, तो उसी के तहत मैं देखता था सुनता था। और धीरे धीरे जब मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगा, थोड़ा मतलब आयु सी में मेरी बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे मुझे संगीत के प्रति लगाव भी बढ़ने लगा जी। तो एक बार मैंने अल्मोड़ों से ही मतलब अपनी जो गाने की शुरुआत करी उसमें। अच्छा, आपने अल्मोड़ा से गाने की शुरुआत की। अच्छा, आपके घर में ही संगीत के महाविद्वान जी थे, तो आपने संगीत की शिक्षा वहाँ से शुरू की है या कहीं और गुरु आपने रखे?
नहीं, संगीत की शिक्षा तो सबसे पहले पिता ही, जो मतलब जिस घर में पिताजी का मतलब सर पे हाथ हो, संगीत वहीं से शुरू होता है। लेकिन एक गुरु, संगीत की शिक्षा एक गुरु चाहिए, हर चीज़ में गुरु चाहिए। तो संगीत की शिक्षा मैंने अभी बरेली से, हमारे गुरु जी कलकत्ता में रहते हैं, अच्छा, तो उन्होंने मुझे मतलब आठ नौ महीने तक अपनी संगीत की, लाइट म्यूजिक में उन्होंने शिक्षा दी। अच्छा अमित जी, जब आपने शिक्षा लेने के बाद, संगीत की शिक्षा लेने के बाद आप आए, तो कहीं किसी मंच पे या घर पे आपने जब पहली बार गाया हो और पिताजी ने सुना हो, तो क्या रिएक्शन था उनका, चेहरे के भाव क्या थे उस समय? पिताजी ने मुझे नैनीताल में ही, एक बार नैनीताल गया था मैं, सोमन रमड़ी जहाँ पिताजी का मतलब नौकरी करते थे, तो वहीं उन्होंने भी उसी दिन उन्होंने कहा एक गाना सुना मुझसे। अच्छा, एक गाना सुना, तो अच्छा, उसी दिन मैंने एक गाना सुनाया, तो उनको लगा अच्छा, लेकिन उसमें काफ़ी त्रुटियाँ थी, तो उन्होंने कहा काफ़ी इसमें भी थोड़ी रियाज की ज़रूरत है, थोड़ा इसकी ज़रूरत है। तो पहला मौका था जब वहाँ पर सुनने का मुझे। अच्छा, संगीत के इतने बड़े विद्वान जी, और आप उनको पहली बार जब उन्होंने सुना आपको, तो उन्होंने त्रुटियाँ बताई या आपको डांटा भी? नहीं, डांटा नहीं, लेकिन उन्होंने बताई कि एक बार अपने साथ में गवाऊंगा मंच में। अच्छा, पिताजी बोले थे एक बार अपने साथ मंच में गवाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा भी इसमें आपको अभ्यास करने की जरूरत है और शब्दों का जो हेरफेर है उसमें थोड़ी जरूरत है, बाकी सब ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद में आपका संगीत का जो सफर शुरू हुआ, पिताजी की देहावसान कौन से सन में हुआ था? पिताजी का 96 में हुआ। उसके बाद से आप अकेले, एकला चलो वाली स्थिति आई आपके साथ में, तो कोई पहला गीत जो आपने मंच पे या कहीं रिकॉर्डिंग में कहीं सुनाया हो, कोई याद है आपको पहला गीत? हाँ, पहला गीत मैंने 2000 में रिकॉर्ड करा था जी, जो कैसेट के माध्यम से करा था, तो वो गीत मैंने, वो जो मेरे स्वयं की रचना थी, स्वयं की कंपोजिंग थी, तो मैंने मतलब मैंने बहुत सोचा समझा इस गीत को कैसे लिखूं, तो मुझे मतलब जो पहाड़ में जो भी हमारी मतलब गांव की स्थिति है, जो लोग मतलब बरसातों में हर चीज़ छोड़कर गांव में घास काटने जाते हैं, बड़े बड़े मतलब पहाड़ों में चढ़ते हैं, हर चीज़ चढ़ते हैं, तो उसको देख के मुझे ये मतलब गीत की एक शुरुआत करी मैंने। वो दो गीत दो लाइनें आपके सामने सुनाना चाहता हूं। घसियारी भोते भोते काम करी छे, घसियारी ओ घसियारी खुरू खुरू घा कटने, घस्यारी ओ। बहुत सुंदर। अमित जी, आपने बताया अभी कि पिताजी ने ये कहा था कि एक दिन मैं आपको अपने साथ मंच पे गाने का अवसर दूंगा, क्या ये साथ आपकी पूरी हुई पिताजी के साथ गाने की? नहीं, ऐसा तो मतलब एक दुर्भाग्य रहा है कि मैं नहीं हो पाया जी पिताजी। हाँ, पिताजी के साथ मैं प्रोग्रामों में जाता था जी, उनके प्रोग्राम देखता था, लेकिन एक साथ गाने का भी मतलब एक मौका नहीं पाया। अच्छा, हमारे उत्तराखंड में और भी बड़े कलाकार जी, क्या उनके साथ अपने मंच शेयर किया? जी हाँ, हमारे उत्तराखंड में मतलब मेरे गुरु समान, हमारे गुरु क्या, हमारे पूरे उत्तराखंड के गुरु श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, दिल्ली में गाजियाबाद में जब उनका प्रोग्राम चल रहा था, तो उसी दिन मेरा भी प्रोग्राम लगा था। अच्छा, तो बड़ा ही अच्छा लगा कि मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं उत्तराखंड के, तो उनके साथ मंच शेयर करने का मौका, प्रीतम भरतवान जी के साथ। अच्छा, मीना राणा जी के साथ, कल्पना चौहान जी के साथ, राजेंद्र चौहान जी के साथ, काफी मतलब लोगों के साथ मैंने मंच काम किया। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को दबाए ताकि हमारी लेटेस्ट खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ ही लेटेस्ट ऑनलाइन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट में जाए, क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस